मैं अब और नहीं कर सकती, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे वहाँ यह कैसा शोर है, क्या वो बैठी है? अरे नहीं, तो क्या करूँ? ओ यह काम करेगा, बैठी को स्कीटल्स बहुत पसंद है। रुको दोस्त, कैंडी रास्ते में है। ये क्या, कैंडी की बारिश हो रही है? रुको मैं पाई गिरा रही हूँ। ओ और यह क्या है? वो गुस्से में लग रही है। ठीक है रुको, यह केक पकड़ो। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ओह मैंने कहा था वो गुस्से में है। तो ठीक है, मुझे वॉफल चाहिए, बिल्कुल इस पिक्चर की तरह। यह किया जाएगा, मैं तैयार हूँ। विस्क, स्पैचुला जंग में कूद पड़े हैं। स्वादिष्ट। ओ, माफ करना। वह सब तो ठीक है, लेकिन अब काम में लगने का समय है। मैं एक कटोरे में आटा डालती हूँ, दो अंडे तोड़ती हूँ और चीनी तो जरूरी है, थोड़ा दूध और मक्खन, और अब हमें यह सब मिलाने की जरूरत है। देखो और सीखो बेन। सीखने के लिए इधर कुछ है। अब मैं कटोरे में बैटर डालूंगा, यहाँ थोड़ा लाल डाई भी डालूंगा। हाँ देखो, और इन सबको अब मिला दूंगा। क्या आप स्पीड में मुझसे कंपटीशन करना चाहती हैं? खैर रुक जाओ, मेरा सारा रंगीन बैटर तैयार है। अब मैं इसे वॉफल मेकर में एक के बाद एक सारे रंगों को डालता हूँ। बहुत सुंदर, अब मेरे वॉफल को बेक करने का समय है। मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है। क्या? हाँ उसका वॉफल पहले से ही तैयार है, मुझे कुछ करना होगा। हाँ बिल्कुल, न्यूटेला। मैं इसमें आटा मिलाऊंगी और साथ ही साथ दूध, और अब मैं सब कुछ मिला दूंगी। अब वॉफल मेकर में बैटर को डालना है और अब इसे बेक कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि चॉकलेट वॉफल जरूर उसे पसंद होगा। आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे अपने वॉफल को सजाना चाहिए, उन्हें चॉकलेट में डुबोना चाहिए और फिर रेनबो स्प्रिंकल। कितना सुंदर है, क्या यह वास्तव में एक वॉफल है? यहाँ मेरे पास असली वॉफल है, मेपल सिरप और पाउडर चीनी के साथ। हाँ सजावट के लिए यह स्ट्रॉबेरी। मेरा वॉफल तैयार है, बहुत सुंदर। ओ वे उन्हें सजा भी रहे हैं, इसलिए मुझे भी सजाना चाहिए। ओ स्किटल्स, मैं कैंडीज के साथ वॉफल को सजाऊंगी। ये बहुत अच्छा निकला, बहुत सुंदर। ओ अफसोस मेरे पास कुछ नहीं बचा। खैर चलो एमा। ओ वाह, मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें। रेनबो वॉफल के साथ, इसकी महक कितनी अच्छी है और कितना स्वादिष्ट है यह। यह अच्छा है बेन। अब एमा के वॉफल। कैंडीज और चॉकलेट के साथ में वॉफल, एक अलग कॉम्बिनेशन है, मुझे यह पसंद है। और निश्चित रूप से दादी के वॉफल, इसे देखकर तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह कितना स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है यह। ओ मैं नहीं चुन सकती, ये सभी बहुत स्वादिष्ट है, मैं उन्हें खाना चाहती हूँ। और दादी के वफल और रेनबो और चॉकलेट, ओह बस स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। ओ बेटी क्या तुम ठीक हो, और कौन जीता? पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। लगभग हो गया, यह रहा, मुझे चिकन लेग चाहिए, आसान। रुको मुझे यह कहाँ से मिलेगा? इसे दूर हटाओ, इसे हटाओ। तुम जो भी कहो डियर, लेकिन मैं इसे पकाने जा रही हूँ। अब मैं इसे तेल के साथ रगड़ूंगी बढ़िया से, और अब मैं इस पर मसाला छिड़कूंगी इस तरह से।
अब मैं कुछ सेब काटूंगी। वाह, कितना सुगंधित है यह। मैं एक को अंदर रखूंगी और फिर मैं अपने चिकन को दूसरे टुकड़ों के साथ कवर करूंगी। अब इसे अवन में डालने का समय है। क्या पूरे चिकन को पकाना जरूरी है? हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। मैं मसालेदार चिप्स ले लेती हूँ और उनमें तीखा सॉस डालूंगी। अब इसे तोड़ने की जरूरत है। हाँ, यही चाहिए। चिकन लेग, यहाँ तुम जाओ, एक डुबकी के लिए तैयार हो जाओ। ब्रेडिंग अच्छी है। अब इसे बेकिंग ट्रे पर डाल देती हूँ। हाँ, इस तरह से। ऐसे कौन खाना बनाता है? देखो यह कैसा होना चाहिए। अलग अलग सीजनिंग को छिड़कें और उन्हें लेग पर रगड़ें। और अब मैं इन लेग्स को अपने ग्रिल पैन में तलने जा रहा हूँ। ध्यान यह रखना है कि यह जले नहीं। ओह, दादी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। चिकन तैयार है। नारंगी के कुछ स्लाइस और पैरों पर एक सजावट। बस इतना ही। अपने खुद के डिश पर ध्यान दो तुम। हाँ ठीक है, मेरे चिकन अभी भी सबसे अच्छे होंगे। अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। ओ, ओ, कुछ हो रहा है? ओह, मैं आग उगल रही थी। ओ, लेकिन मैंने चिकन लेग तल लिए हैं। अब उन्हें एक ब्रांडेड बाल्टी में रखना बाकी है। एकदम अच्छे से तला हुआ। और मैं उन्हें फाउंटेन पर सर्व करूंगा। बस चीज डाला और तैयार। हाँ, चीज फाउंटेन। बेटी, मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। बोन एपिटी। ओ वाह, सब बहुत अलग है। क्या वह चीज का फाउंटेन है? चलो उसके साथ शुरू करें। मैं इसे सॉस में डुबोऊंगी। यह अच्छा लग रहा है। ओह वाह, और अविश्वसनीय स्वाद। चिकन या लेग? मैं लेग से शुरू करूंगी। तो ठीक है, इसे खा कर देखती हूँ। एक मिनट रुको। अरे नहीं, कितना तीखा ब्रेडिंग है। मैं जल रही हूँ। मुझे तुरंत इस तीखेपन को हटाना होगा। यह काम किया। लेकिन दादी का चिकन तो मस्त है। मैं लेग को ट्राई करूंगी। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये लाजवाब है। आप पक्का जीत रही हैं। मुझे शिष्टाचार की परवाह नहीं है। यह चिकन बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, दादी को कोई हरा नहीं सकता। धन्यवाद बच्चे। आपको क्या लगता है? मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। यह मेरे लिए आसान है। दादी इसे संभाल लेगी। आउच, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। मैं आलू काट लेती हूँ। अरे, क्या चाकू फंस गया है? अरे निकलो। ओह, यह मैंने नहीं, नहीं मैंने नहीं, यह दादी ने किया है। क्या? ओह डियर, दादी का ध्यान मत हटाओ। देहाती आलू से बेहतर क्या हो सकता है? मैं उन्हें एक बर्तन में डालूंगी। उन पर अब तेल डाल देती हूँ और उसके ऊपर से सीजनिंग को छिड़क दूंगी और रोजमेरी की एक टहनी ऊपर से। मैं इसे ले जाऊंगा। शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरी मदद करोगे। अद्भुत खुशबू है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा प्रोफेशनल खाना पकाने का उपकरण क्या करने में सक्षम है। थोड़ा घुमाया और आलू एक स्पाइरल में बदल गया। अब इसे गर्म तेल में भूनना है, इस तरह से। हाँ, और मेरा काटने का काम हो गया। अब मैं सब कुछ टोस्टर में डाल दूंगी और अब यह तैयार। हाँ, बस जरूरी बात है सब कुछ पकड़ना है। उफ, मैं थोड़ा चूक गई। मैं अब उसे इकट्ठा कर लेती हूँ।
यह हुई ना बात, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह। ओह, और लगता है यह मेरे लिए है। मेरा आलू बेक हो गया है। क्या खुशबू है। अब इस पर चीज सॉस डालना ही बाकी है। हाँ, इस तरह से बस हो गया। कितना बढ़िया। इस तरह से हमें टेबल पर आलू को सर्व करने की जरूरत है और बारबेक्यू सॉस इसके साथ सही रहेगा। ओह, कितना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा सॉस केचप है। चलो बेटी, इन्हें ये साबित करके दिखाओ। हुरे हुरे, इतने सारे फ्राइज। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। ये तस्वीर की तरह है। मैं उस पर केचप डालूंगी। इससे मैकडॉनल्ड्स की तरह खुशबू आ रही है और स्वाद भी कूल। अब दादी के आलू। ओह, कितना सारा सॉस है। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक वैसा नहीं जैसा मैं चाहती थी। वाह, यह क्या है? यह स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन पहले मैं इसे सॉस में डिप करूंगी। और अब इसे खाती हो। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आया। ओह हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। वाह, मेरा मतलब है धन्यवाद। और हम वाफल के साथ शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। आसान, मैंने अपने जीवन में इतने अलग अलग वाफल बनाए हैं कि इसकी रेसिपी मेरे सिर में हमेशा के लिए घुस गई है। हमें अंडे से शुरुआत करनी होगी। यह किस तरह की बर्बरता है। अंडे को सावधानी से संभालना चाहिए। देखो और सीखो। क्या अंतर है। जरूरी बात प्यार से सब कुछ करना है और ये मेरे पास बहुत है। मैं अपनी पोती पेज के लिए सबसे अच्छे वॉफल बेक करूंगी। आपके वॉफल बेकार और बोरिंग होंगे, लेकिन मेरा वॉफल रंगीन और बहुत सुंदर होगा। यह क्या बात हुई। मैं स्वाद पर ध्यान देती हूँ, प्रेजेंटेशन पर नहीं। और मेरी पोती भी। वैसे मेरे वॉफल अब तैयार है। क्या आप तैयार हैं? मुझे लगता है मैं मुसीबत में हूँ। मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। और इस आटे और दूध की जरूरत किसे है? स्कीटल्स और M&M's कैंडीज से वफल क्यों नहीं बना सकते? उफ, ऐसा लगता है कि ये कैंडीज इसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जाहिर है, हमें स्टैंडर्ड वफल तैयार करना होगा। दादी, आप कैसे कह रही कि हो गया है? मुझे बस इस असफल मीठे वफल से किसी तरह छुटकारा पाना होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं शुरू से तैयार करूंगा। ओह, ये तो निकल ही नहीं रहा है। हाथ, अरे निकल गया। बढ़िया है। ओह, वैसे वॉफल मेकर में चॉकलेट रह गया है। शायद इसकी वजह से मेरे वॉफल चॉकलेट के हो जाएंगे। यह भी बुरा नहीं है। हो, अच्छी बात है कि मैंने सभी स्किटल्स कैंडी खर्च नहीं किए हैं। उनकी मदद से मैं वॉफल को सजाऊंगा। ताराम, मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। मैं व्हिप क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ अपने वॉफल को अच्छे से सजाऊंगी। बोलिए, तैयार हो गया ये। दादी को जरूर मुझसे जलन हो रही होगी। मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? मैं अपने वफल पर शहद डालूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि पेज को सबसे ज्यादा यह पसंद है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। ओह, मधुमक्खी, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। खैर, पोती, क्या तुम विजेता चुनने के लिए तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं लेकिन उस वफल से शुरू करूंगी जो बेन ने बनाए थे। मुझे वास्तव में चॉकलेट और स्किटल्स पसंद है। ओह, बहुत स्वादिष्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब शेफ टीना के वफल की बारी है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। खैर, ये दादी के वफल को आजमाने का समय है। उन्हें याद है कि मुझे शहद के साथ वफल सबसे ज्यादा पसंद है। ओह वाह, इसे कहते हैं स्वाद। ये सबसे स्वादिष्ट वफल है जिन्हें मैंने कभी खाया है। दादी, आपने सबसे अच्छे वफल बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे हमेशा से पता था मैं जीतने वाली हूँ। इस बार मेरे लिए चिकन बनाओ, बिल्कुल KFC के चिकन की तरह। चिकन? तुम इससे आसान कुछ भी नहीं सोच सकती थी। हालांकि मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि KFC क्या है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तेल को चिकन पर अच्छे से लगा देना पर्याप्त होगा।
और फिर इसे बेक कर देना है। ये कच्चे चिकन बहुत फनी लगते हैं। यहाँ तक कि हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। इसका डांस देखो। तुम अजीब हो। केएफसी चिकन के लिए हमें एक ब्रेडिंग तैयार करनी होगी। इसके लिए हमें अंडा चाहिए, जिसे सावधानी से कटोरे में तोड़ लेना है। हमें ब्रेड क्रम्स लेना है और फिर थोड़ा नमक और थोड़ी सी सीजनिंग चाहिए। हाँ, काली मिर्च, यह भी अच्छा होगा। और जाहिर है इन सबको अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। अब चिकन का एक टुकड़ा, उदाहरण के लिए एक पैर, इस अंडे में डुबाया जाना चाहिए और फिर ब्रेड क्रम में लपेट देना है। फिर हम एक फ्राइंग पैन में चिकन को फ्राई कर लेंगे। यह सब बहुत आसान है। असली चिकन को साइड डिश के साथ परोसा जाता है और आपको इसे ओवन में पकाना है, फ्राइंग पैन में नहीं। हाँ, इस तरह से। और जब तक यह पक रहा है, मैं थोड़ा बुनाई कर लेती हूँ। वाह, मेरा स्वेटर तैयार है। वैसे चिकन भी तैयार हो गया है। ये उसे अपनी जगह पर ले जाने का समय है। बस इस खुशबू को महसूस करो, इससे अद्भुत महक आ रही है। केएफसी जैसे चिकन आग पर पकाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मैं विशेष रूप से इस लिक्विड को डालूंगी और आग जलाऊंगी। आह, यहाँ आग लग गई है। हमें तत्काल आग बुझाने की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे, तुमने ये क्या किया है? यह आग नहीं थी, बल्कि चिकन पकाने का एक तरीका था। ओ, मैं नहीं जानती थी। अरे बेन, तुम ऐसे बेवकूफ की तरह क्यों बैठे हो? टीना और मैं पहले ही कर चुके हैं। क्या तुम्हारा हो गया? मुझे तत्काल कुछ करने की जरूरत है। बेशक मैं खाना नहीं बनाऊंगा, इसलिए मुझे केएफसी के असली चिकन ऑर्डर करना होगा। पेज पक्का इसे पसंद करेगी। खैर, यह विजेता चुनने का समय। ओह, सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। टीना के डिश को छोड़कर ये किस तरह की गंदगी है। नहीं, ये बहुत खराब लग रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी दादी के बनाए हुए चिकन को ट्राई करूंगी। स्वादिष्ट, लेकिन ये केएफसी की तरह नहीं दिखता है। आओ देखें कि बेन ने क्या तैयार किया है। ये देख के तो स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ये बिल्कुल केएफसी के चिकन की तरह है। तुम इसे इतना स्वादिष्ट कैसे बना पाए? ये तो कमाल हो गया। बेन, इस राउंड को तुम ही जीत रहे हो। क्या सच में? हुर्रे, मैंने तुमसे कहा था ये चिकन पीस को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अंत में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए नूडल्स बनाए। यह किया जाएगा। मैं अक्सर अपने रेस्तरां में नूडल्स पकाती हूँ, इसके लिए मैं खुद नूडल्स भी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आटे को छलनी में रख कर सब छानना होगा। यह अच्छा है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे इसके लिए चाहिए। हाँ, अब हम आटे में थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर एक डो तैयार करेंगे। ये अच्छे से हो रहा है। हाँ, और ये अब तैयार हो गया। हाँ, अब इस आटे से स्पेगेटी को बनाने का समय है। इसके लिए डो को ठीक से बेलना होगा। थोड़े से सूखे आटे को ऊपर छिड़क कर बेलने से यह आसानी से हो जाता है। देखो, यह कितने अच्छे से हो रहा है ना? और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? साधारण नूडल्स भी बहुत स्वादिष्ट है। उन्हें बस आधे में तोड़ने और सॉस पैन में डालने की जरूरत है। देखो और सीखो, इस तरह से ये आराम से पक जाएंगे। हाँ, थोड़े से हिला देना है इसे। मुझे पता नहीं कि क्या स्पेगेटी पकाने का कुछ आसान तरीका है। चलो सर्च करता हूँ। ओह वाह, यह वास्तव में एक अच्छा लाइफ हैक है। और मेरे पास एकदम सही सिरिंज भी है। इसमें पहले हमें थोड़ा अंडा भरना होगा, फिर यह सब एक फ्राइंग पैन में निचोड़ा जाना चाहिए। दादी, आपको यह आइडिया कैसा लगा? दिलचस्प, लेकिन फिर भी केचप के साथ साधारण नूडल्स की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। यह हर समय के लिए एक यूनिवर्सल विकल्प है। और बेशक हमें बटर को नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ नूडल्स और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। हाँ, बटर डाल दिया, अब ठीक है। हाँ, अब मेरा सब तैयार हो गया। खैर ठीक है, ये किसी तरह का हैक है। मैंने अभी अपने हाथों से बना हुआ नूडल्स समाप्त किया है। अब उन्हें पकाने का समय है। बेशक अकेले स्पेगेटी बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं होंगे। हमें कुछ चिकन ब्रेस्ट जोड़ने की जरूरत है।
मैं इसे अलग से भूनूंगी, फिर इसे तैयार नूडल्स में डालूंगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। अब मेरी डिश तैयार है। ये किसी महंगे रेस्टोरेंट की डिश की तरह दिख रहा है। चॉपस्टिक भी रख दिया, लेकिन मेरा रेसिपी बिल्कुल भी काम नहीं आया। बेकार लाइफ हैक, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। यह आपके नूडल्स को ट्राई करने का समय है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, केवल उसे छोड़कर जिसे बेन ने पकाया है। यह वैसा है मानो कोई ठीक से फ्राइड एग नहीं बना पाया हो। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन किसी तरह ये बहुत आसान है। टीना, अब मैं आपके नूडल्स ट्राई करने जा रही हूँ, लेकिन मैं चॉपस्टिक के साथ नहीं खा सकती। लेकिन अगर वे इसे एक रेस्टोरेंट में करते हैं तो हमें सीखना होगा। स्वादिष्ट, ये आज की सबसे अच्छी डिश है। बहुत ही अच्छा है, आखिरकार मेरी प्रतिभा को पहचाना गया। मुझे हमेशा से पता था कि मैं सबसे अच्छी शेफ हूँ। मल्टीडो को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मजेदार और स्वादिष्ट चुनौतियों को मिस न करें। हमारे हीरोज आपको खुश करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।